बेटे होते हुए भी मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई भी तैयारी नहीं है कि मेरे साथ रहे हमेशा। दरअसल हम आपसे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। गांव वालों के इलाज से तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कौन किसका क्या इलाज करा था सब कुछ पता चल गया है मुझे। देखो सुकृति ताई ने खुद भेजा है। हाँ तो मैंने खा लिया, मतलब आई हैव ईटन। वेरी गुड। और मैंने खा लिया था, पता भाई वो आई हैड ईटन। और आई हैव हैड मतलब कमाल है, अभी तो बताया था आप लोगों को आई हैड ऑलरेडी हैड। अरे बाबा, दो घंटों से हम यही तो बात कर रहे हैं। जी जी नहीं, अंग्रेजी में यस। या। अरे यार तू का या कर रहा है इतनी देर से, बहुत बड़ा अंग्रेज बन रहा है तो चल तू बता दे, काफी कोई तूने अभी तक बता दे। चल बोल भाई का पतो। मैंने कही थी ना कि पहले अच्छी तरह से समझ लीजियो और समझने के बाद में मुझे समझा दीजियो। यानी कि अब तक आपने कुछ सीखा ही नहीं। जी नहीं, हमने सीखो है, आपने जो कही सब सीखो है। क्या कही? वह की हैड और फिर हैज और हैव और फिर हैड। तो बताइए, मैंने खा लिया, इसको क्या कहेंगे? कहाँ खाओ है बे कछु, मैं तो तब से इंतजार कर रहा हूँ कि कछु खावे को मिल जाए। बाप रे बाप, when will you learn? अरे जिंदल साहब, मैं तो इतनी देर से ये फिक्र कर रहा हूँ कि how will you teach him? सर जी, आप बुरा मत मानियो, धीरे धीरे करके हम सब कुछ समझ जाएंगे, बस आप चिंता मत करो। लेकिन आप लोगों को बेसिक्स तो पता है ना, उन्हें अप्लाई करने की जरूरत है। अब अप्लाई तो हम कर चुके हैं सर। क्या अप्लाई कर दिया? आपके स्टूडेंट बनने के लिए। देखिए, आपको रिटन इंग्लिश से ज्यादा स्पोकन इंग्लिश सीखने की जरूरत है। हाँ, ये बात कही आपने लाख रुपया की। हमारे जो गाँव के जो मास्टर रहते चुन्ना लाल, अबे चुन्नू, हाँ, वो जो सेम टू सेम कहते हैं, क्यों जफर भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बात तो ठीक है। वो हमसे कहा करते थे कि तुम दोनों जो हो वो अंग्रेजी के टॉपर हो, बस ये है कि आपस में दोनों बात किया करो। एग्जैक्टली, ये सिर्फ आपके इनहिबिशंस हैं, आपकी हिचकिचाहट है, और जिस दिन ये हिचकिचाहट दूर हो जाएगी उसके बाद वी विल लीव अंग्रेज बिहाइंड। नो नो, उस दिन यू विल लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। बस तो बस, जिंदल साहब, आज से हम कमर कसते हैं कि जब जब हम दोनों को मौका मिलेगा हम आपस में अंग्रेजी बोल बोल कर उसको चमकाते रहेंगे। और जैसे ही मौका मिलेगा हम अपना हुनर भी दिखाते रहेंगे, क्यों जिंदल साहब? ऑफ कोर्स जिंदल साहब, कोर्स की बातें तो बहुत हो चुकी, अब आउट ऑफ कोर्स एक गुजारिश है। फरमाइए। अगर चाय मिल जाती तो। एक शर्त। जी। अंग्रेजी में? अंग्रेजी में टी प्लीज, कॉलिंग कॉलिंग। पहला मौका है इसलिए आपको माफ किया, कॉलिंग कॉलिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ टी प्लीज। टी प्लीज, टी प्लीज। नंदा, तीन कप चाय फौरन। थैंक यू सर। सर थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग टी। रियली, यू आर नंदिनी। मुझसे आप बात मत करो। नंदिनी, क्यों मुझे इस तरह गिल्टी फील करा रही हो? सॉरी कहा ना मैंने? मुझे अगर मालूम होता कि कैंप वाले उसे भी बुला रहे तो मैं पहले ही वहां से भाग आता। कितना झूठ पे झूठ बोलोगे आप मुझसे? ठीक है,
तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैं कसम खाता हूँ जिसकी तुम कहो। देखा, अगर आप सच बोल रहे होते ना तो अभी तक कसम खा ली होती, पूछते नहीं। ठीक है, तुम्हारी कसम, बस बराबर है। इस घर में तो मेरी कोई कीमत है ही नहीं, मैं तो फ्री में आई हूँ ना। नंदिनी, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं तुम्हें? मुझे आप विश्वास दिलाना चाहते हो? सच में आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो ना, तो आपको मेरी दो चार बातें माननी होगी। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई बात कही और मैंने नहीं मानी? छोड़ो, आज तक जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आप सच में चाहते हो कि ये घर ना टूटे तो सुन लो। ठीक है, बोलो। एक तो ये कि पूरे एक वीक तक आप घर के बाहर नहीं निकलोगे। एक वीक तक? नंदिनी, मेरा क्लिनिक, मेरे पेशेंट्स, ऑलरेडी दो दिन बाहर था मैं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मेरी पहली शर्त है। मानते हो तो आगे बोल। अच्छा, क्या हो जाएगा अगर मैं एक हफ्ते के लिए बाहर नहीं जाऊंगा? कुछ हो ना हो, मेरी इतनी से भी बात नहीं मान सकते हो? या फिर किसी को मिले बगैर आप एक वीक भी नहीं रह सकते हो? ओ गॉड, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कोशिश भी मत करो आप मुझे समझाने की, जितना कह रही हूँ ना उतना कर दो, बस मैं समझ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा, बस खुश अब। नहीं नहीं, ये तो मेरी पहली शर्त थी, अब दूसरी शर्त। नंदिनी प्लीज डोंट अननेसेसरली प्रेशराइज मी। ठीक है, मत करो कुछ, मत मानो। ओके ठीक है, मान लेता हूं मैं सब कुछ। बताओ क्या क्या है? हफ्ते भर बाद आप जब क्लिनिक जाना शुरू करोगे तो घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर, बस। मतलब? मतलब नो इमरजेंसी केस, और ना किसी दोस्त के पास जाओगे जिंदगी भर के लिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, जब तक मैं ना कहूं या मुझे आप पे विश्वास ना आ जाए। ठीक है, देख लेंगे। देख लेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, ओके। अब लास्ट कंडीशन। और है? ये तो वैसे ही बात हुई जैसे तुम तीन वर मांग रही हो मेरे से, कई कई की तरह। वही ना, आप तो मुझे समझते ही ऐसा हो कि मैं मौके का फायदा उठाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ये मजाक करने का वक्त है? अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, तुम बोलो तुम्हारी थर्ड कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि आपको जितने भी फोन आएंगे पूरे वीक मोबाइल पे, वो आप मेरे सामने बात करोगे, वो भी स्पीक करोगे। हद है यार, दिस इज टू मच। टू मच तो आप करके बैठे हो। ओके ओके, डन कर दो इसे। ठीक है, हैप्पी, खुश? नंदिनी, एक प्यारी सी अपने हाथ की चाय पिलाओ ना प्लीज। लाती हूँ। अरे देख क्या रहे हो आप, फोन उठाओ और स्पीकर पे डालो। हाँ। हेलो। ओ डॉक्टर साहब, तो कितने हो यार? ओ मैं तो फोन कर करके परेशान हो गया आपको। सॉरी ढिल्लन साहब, जरा इमरजेंसी में था। चलो कोई गल नहीं। अच्छा कल शाम को साढ़े घर पार्टी है। अच्छा, कोई खास ओकेजन है क्या? वो खास कुछ नहीं सर जी, वो दोस्तों को मिलने का बहाना है और आपको पूरे परिवार के साथ आना है। ढिल्लन साहब, मैं बताता हूँ आपको, वाइफ के साथ डिस्कस करके बताता हूँ। ओ जी बताना बताना कुछ नहीं है, बता तो मैंने दिया है, आपको तो सिर्फ आना है। हाँ लेकिन वो वाइफ का कुछ नहीं, आपको आना है, भाभी जी को आना है और साथ में बेटे को भी लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हैं? वो देखो जी, मैंने आपको इनवाइट करके अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब आपको अपना फर्ज अदा करना है। कल शाम को डोंट
7 बजे मिलते हैं। ढिलन साहब लेकिन बाकी सब बातें कल मिलने पे, कल शाम को 7 बजे ठीक है? ओके जी ओके। मैं चाय लाती हूँ। ये कमबख्त अंग्रेजी की मुश्किल कहाँ है कि मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, बुआ भी आंटी और ताई भी आंटी। अरे यार रिश्ते में कोई फर्क ही नहीं और ना छोटे बड़े को लिहाज है। बिल्कुल सही बात है जिंदल साहब। एक बार हम दोनों को आगरा में एक हमारे दोस्त ने बुलवाया और अपने ब्रदर इन लॉ से मिलवाया। अब मैं तो समझूं कि वो उसका साला है और ये समझे कि वो इसका साला है और अल्टीमेटली वो दोनों एक दूसरे के साड़ू निकले। एक्सक्यूज मी। ओ ढिलन साहब का फोन है। ओ ढिलन जी की हाल है जी? अजी लगता है कि आज दिन हमारा है कि आपका फोन आया। वो जय नसीब हमारे जो ऊपर वाले ने आपसे ये बुलवाया। मानता हूँ आप आशु कवि हैं। तो जब आप जैसा दोस्त साथ में हो तो क्या कमी है? तो फिर आ जाइए, मिल भी लीजिए, दोस्तों को जरा खुश कर दीजिए। वो सब दोस्त एक साथ मिल पाए जिंदल साहब, वो इसी का तो इंतजाम किया है। अच्छा जिंदल साहब, कल घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है और हम सारे दोस्त मिल रहे हैं विद फैमिली। जी मुझे तो विद फैमिली भी बुलाएंगे तो आने वाला तो अकेला ही हूँ। माल करते हैं जिंदल साहब आपकी। वो अराधिता बिटिया और नीले बाबू को साथ जरूर लाना है। वो क्या हमारी फैमिली नहीं है? ओके ओके पूछ लूंगा उनसे मैं, अगर वो फ्री हो तो। सर जी पूछना पूछना कुछ नहीं है, आपको उनको साथ लेकर ही आना है। और हाँ अगर आप उनको साथ लेकर नहीं आए ना, मैं पार्टी का गेट नहीं खोलूंगा। अच्छा अच्छा देखिए मैं आपको एक और जहमत उठाने से बचाना चाहता हूँ। यूं तो सर हमारे लिए कोई चीज जहमत नहीं है, बट फिर भी आदेश कीजिए। जफर भाई और उनके दोस्त बोरे जी भी यहीं बैठे हैं, तो आपको उन्हें अलग से फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं। वाह जी भाई, तो कमाल ही हो गया। लाइए लाइए मेरी बात करवाइए, मैं लगे हाथ उनको भी इनवाइट कर देता हूँ। लीजिए जफर भाई से बात कीजिए। लीजिए जफर भाई जी। ओ अच्छा हेलो जी, मैं क्या की हालचाल ने तुहाडे? ओ मैं तो जी फर्स्ट क्लास। जफर भाई कल शाम को मिलने का एक बहाना है और आपको अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ आना है। ओ मैं क्या भ्राजी, सिर्फ मिलने का ही बहाना है या कुछ खाना वाना भी खिलाना है? पहले गाना बजाना नाचना है, फिर पीना खाना है, भाभी जी और बोहरे जी को भी साथ लाना है। और जी आपने कहा तो कभी ऐसा हुआ कि हमने नहीं माना है? यार की आवाज सुनकर मिला मेरे दिल को करार। यार की आवाज सुनकर मिला मेरे दिल को करार, कल शाम की महफिल में रौनक होगी तभी जब होगा आपका दीदार। जिंदल साहब फेल टू स्पीक इन इंग्लिश, ये अपनों से हिंदी में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जफर भाई, जफर भाई इंग्लिश में वादा था। इंग्लिश? ओ यस 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 यस। हेलो 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 जफर भाई किथे गए? ओ जी मैं तो आई मीन आई एम हियर, वेयर आर यू? आई एम आल्सो हियर। होया की है? ओ नो नथिंग, स्पीकिंग इंग्लिश का प्रॉमिस होया। मतलब? यस यस, व्हेन वी मीट वी टेल लर्निंग इंग्लिश वेरी वेल। वाजीवा कोई सडनली अंग्रेजी का की भूत चढ़ गया तुहानू? भूत गोस्ट? यस यस द गोस्ट ऑफ इंग्लिश इज क्लाइम्ड ऑन मी। ओहो तो आपने हिंदी ना बोलने की कसम खा ली है क्या? यस वी एट द स्वेर बिकॉज वी फेल्ट स्पीक इंग्लिश विद फ्रेंड्स। ओहो जफर भाई ये तो कमाल का आइटम हो गया कल की पार्टी के लिए। कल आपको पार्टी में सिर्फ और सिर्फ
इंग्लिश ही बोलनी है। ओह श्योर श्योर, आई प्रॉमिस प्रॉमिस। पापा जी, अंग्रेजी में कल शाम अपनी फैमिली और बोरे जी को लेकर आ जरूर जाना। ओह डोंट वरी जी, वी ऑल विल कम टुगेदर एट व्हाट टाइम? ठीक 7 बजे, आई मीन 7 o'clock शार्प। थैंक यू। ओके जी, बाय। नो 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 नो, यू से वेलकम। ओके जी, वेलकम, बाय बाय बाय। जी मेरा तो सांस ही चढ़ गया पूरा का पूरा। थोड़ा थोड़ा पानी पिलवा दीजिए जी, मैं खुद लेकर आता हूँ। क्या जब रिनी की वजह से घर में पुलिस आ गई थी तब मेरा टाइम खराब चल रहा था, तब कोई मदद नहीं कर पाया, आप भी नहीं, और देखो आज आपके साथ ऐसा हो गया। Hey Dad, कहाँ था तू? अंदर, आप दोनों की महाभारत का ऑडियो सुन रहा था। तो अपनी मॉम को समझा नहीं सकता था? Dad, आप ही नहीं समझा पाए तो मेरी क्या औकात? बातें बना लो बस। गया क्यों था पिकनिक पर? Dad, उसकी वजह से थोड़ी ना कोई कॉम्प्लिकेशन हुए हैं। मैं तो चुपचाप गया और चुपचाप आ गया। फोटो तो आपकी छपी है, मैं क्या करूं? अच्छा, इतना सीधा बन रहा है? मैं बताऊं तेरी मॉम को कारनामे तेरे? उससे आपका क्या फायदा होगा? फायदा क्या? असलियत का तो पता चले उसे। मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मैं सजा भुगतूं, और तू गुलछरे उड़ा के आया है, फिर भी भला बना घूमे? डैड, ये तो अपनी अपनी किस्मत और टाइम की बात है। अच्छा, और क्या? जब रिनी की वजह से घर में पुलिस आ गई थी तब मेरा टाइम खराब चल रहा था, तब कोई मदद नहीं कर पाया, आप भी नहीं, और देखो आज आपके साथ ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ, मुझे तो तकलीफ हो रही है आपको ऐसा देख के। तो कुछ कर, बचा मुझे इस मुसीबत से। डैड, मैं तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ, प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्या कोशिश करोगे? आस्था आंटी के पास जाके कहूंगा कि पापा जेल में है। क्या? हाँ, तो जेली हो गई ना 1 हफ्ते की। लेकिन उसको कहने से क्या होगा? कम से कम आपको फोन तो नहीं करेंगी ना, वरना मॉम के सामने स्पीकर पे पता नहीं क्या क्या कह दे। हाँ, ऐसा ऐसा क्या कह देगी वो? नहीं कहेंगी तो ठीक है, नहीं कहता। अरे नहीं नहीं, तुम कह दो उसे। श्योर। और डैड, कुछ लाना वाना है बाहर से? बकवास बंद करो। मैंने क्या किया, मैं तो बस बाहर जाने वाला था तो सोचा पूछ लूं। वैसे आप फोन भी कर सकते हैं, लेकिन फोन तो स्पीकर पे रहेगा ना। शट अप। सॉरी 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 सॉरी, मैं चलता हूं। डैड, वैसे एक बात कहूं? कहो। इस जेल का खाना ना बड़ा ही मजेदार होता है, मजा आएगा। अंबर, हे भगवान, ये घर की हालत तो देखो, सारा सामान बिखरा पड़ा है। और ये देखो, ये किताबें, ये सोफा बैठने के लिए है कि किताबों के लिए, समझ में ही नहीं आता। लेकिन करे भी तो कौन करे, घर की औरत घर में रहेगी तो ना। लेकिन वो तो न जाने कहां सुबह से चली जाती है, भगवान जाने। हे भगवान, कभी ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। सुबह से कितनी बार बैल बजती रहती है, कौन होगा कौन? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छू अच्छू अच्छू। अरे भाई, कौन हो, क्यों घर में घुसे चले आ रहे हो, किसे मिलना है तुम्हें? मैं प्रोफेसर साहब का रिश्तेदार हूँ। पहले तो नहीं देखा? कब से काम शुरू किया आपने? क्या? मैं कुछ दिन पहले ही आया था तो आपको नहीं देखा।
लगता अभी शुरू किया है। क्या प्रोफेसर साहब के यहाँ काम? काम? क्या मैं तुम्हें काम वाली दिखती हूँ? अरे मैं प्रोफेसर की माँ हूँ। हाँ, माताजी। माताजी माफ करो। अरे अरे गलती हो गई, गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। क्या ना कि अच्छू की शादी में एक ही बार आपको देखा था, उसके बाद आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं सतीश, दिल्ली वाला। दिल्ली वाले? हाँ। मैं कहाँ मिल पाती सब लोगों को, और अभी बच्चे भी बड़े हो गए। बैठो बैठो तुम। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं भाई, तुम दिल्ली से आए हो, थक गए होंगे। अरे नहीं नहीं माता जी, आप बैठिए। अरे मैं कौन सा धक्के खाते हुए आया हूँ, 2 घंटे की फ्लाइट थी, बैठा फर्रस खोल के आया फटाक। तो फ्लाइट से आया तो क्या इधर ही खड़ा रहेगा? अरे बैठ बेटा बैठ। नहीं नहीं माता जी, आप पहले बैठिए। चल ठीक है ठीक है, बैठती हूँ। जब चाहे सोएगी, जब चाहे उठेगी, जब चाहे घर में आएगी, जब चाहे घर से चली जाएगी। अरे घर के काम में कम से कम थोड़ी मदद तो करनी चाहिए। बाकी लोग दिख नहीं रहे? ऐसा ही है बेटा, सब अपने अपने काम में मगन है। हरी अपने काम पे चला जाता है। हरी? अरे प्रोफेसर साहब। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बहू न जाने कहाँ चली जाती है, कहती है कि मैं कुछ नया काम सीख रही हूँ। अच्छा, अच्छा। और पता नहीं इन दोनों ने एक कोई और नई मुसीबत अपने गले बांध ली है। क्या? वो बहू की भतीजी कहते हैं कि डॉक्टरी पढ़ रही है। अच्छा अच्छा। और इसी घर में रहती है। ओ। मैंने तो कहा कि भाई ये फांसी का फंदा क्यों गले लगा रहे हो? फांसी का फंदा? और नहीं तो क्या, जवान लड़की है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो सारा दोष इन्हीं पे आ जाएगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टरी पढ़ रही है, समझदार है। सारी समझदारी धरी रह जाती है, ये उम्र ही ऐसी है। हाँ, वो तो है। और ऊपर से संस्कार भी बिगड़े हुए। संस्कार बिगड़े? वो कैसे? अरे ये क्या तरीका हुआ, जिस घर में आप रहते हो उनके नियम कायदे कानून तुम्हें मानने चाहिए कि नहीं? नहीं मानती। कतई नहीं। जब चाहे सोएगी, जब चाहे उठेगी, जब चाहे घर में आएगी, जब चाहे घर से चली जाएगी। अरे ये क्या तरीका हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। अरे घर के काम में कम से कम थोड़ी मदद तो करनी चाहिए। अरे सगी बुआ है उसकी, वो बिचारी काम में लगी रहती है, पर ये भी नहीं। अरे काम से काम चाय पानी के गिलास तक तो उठा देना चाहिए ना। तो बिल्कुल गलत बात है, आप चिंता मत करिए, मैं बात करूंगा उससे। तू? पर तू क्यों बात करेगा, ये तो उसके माँ बाप को उसे समझाना चाहिए ना। हैं? और नहीं तो क्या, मुझे एक बात बता, कोई अपनी छोटी बहन पर इतना बड़ा बोझ डालता है क्या? अरे बड़ा भाई है, अपनी छोटी बहन के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए ना। हाँ लेकिन छोड़, हम क्यों अपना मुंह खराब करें? जब उसका बाप आएगा ना तब मैं उसे सुनाऊंगी जी भर कर। अरे तो सुनाइए ना आप, जी भर के सुनाइए, आप मुझे सुनाइए। तुझे? तुझे क्यों सुनाऊं बेटा, अरे तू तो मेहमान है। हाँ हूँ, लेकिन मैं उसका बाप हूँ। किसका? केतकी का। है? मैं अर्चना का बड़ा भाई हूँ, सतीश भटनागर। बाकी के सारे मर गए थे क्या, जो उसी के बाजू में जाके इनको फोटो खिंचवानी थी? वो एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, पर मुझे तो लगता है ना उसने ना इन पे जादू टोना कर दिया है। तूने बताया नहीं कि सतीश बाबू आने वाले हैं? माता जी मुझे नहीं मालूम था। कमाल है, मुझे तो आपके आने का भी नहीं मालूम था। फिटनेस वीडियोस देख, कुछ अच्छी मैगजीन्स पढ़, उनमें तुझे टिप्स मिलेंगी कि कैसे अपने पति को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। पर ताई कोई और तरीका नहीं है?